अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड वेलकम इन द वीडियो टॉपिक इंतहाई अहम है हम सिर्फ ओरिएंट यानी सेंसिटाइज कर सकते हैं आपको क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा है इस पर बहुत डिबेट हो सकती है और इसके बहुत ऑफ रूट्स हैं टॉपिक क्या है जो एथिकल प्रैक्टिस हैं बिकॉज़ हमारे यहाँ ये अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं नज़रिया बन जाता है कि बिजनेस है तो बिज़नेस में सब चीज़ जायज़ हैं अगर आपने किसी की पेमेंट करनी है और वो रोकी हुई है और आप नहीं कर रहे हैं तो भी ये ठीक प्रैक्टिस है या आप अपने जो एम्प्लॉज हैं उनको प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर रहे हैं या उनकी जो रिक्वायरमेंट है खास तौर पे अगर वो मैनुफेक्चरिंग सेक्टर में और वो एक्सपोज हैं किसी डेंजरस केमिकल या आग से तो अगर आप उसकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर भी रहे हैं तो आपके चार पैसे बच रहे हैं एन ईवन दिस इज फाइन इसी तरह हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री देखते हैं डॉक्टर्स को जो कमीशन ऑफर किए जाते हैं उसको भी समझा जाता है कि एक बिल्कुल जैन प्रैक्टिस है यानी एक सीरीज है ऑफ डिफरेंट मैल प्रैक्टिस की कहीं ना कहीं हम उस पर कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं वेन इट कम्स टू बिजनेस क्या बनता है हमारा कि ये कॉम्प्रोमाइज़ इकनॉमिक बेनिफिट लेकर आएँगे ये कॉम्प्रोमाइज़ comprom जो हैं इकनॉमिक बेनिफिट लेकर तो आते हैं लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग और लिटरेचर ये बताता है कि ये इकनॉमिक बेनिफिट बहुत टेम्प्रेरी होते हैं लॉन्ग टर्म नहीं होते हैं uh, मेरे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर रिजवान सलीम आप जैसे जानते हैं कि हम ये दोनों uh, मिल के आपके लिए इस कोर्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं मेरी और रिजवान की डिस्कशन इसी हवाले से रहेगी कि नंबर एक ऐथिकल बिहेवियर टूअर्ड्स द क्लाइंट्स टूर्स द कंज्यूमर एंड टूअर्ड्स द सोसाइटी ओवरऑल कितना ज़रूरी है और नंबर टू तो, क्या इसका एक बहुत गहरा ताल्लुक है विद द इकनॉमिक बेनिफिट इन अदर वर्ड सादा लफ्ज़ों में विद द प्रॉफिट एंड द रेवन्यू इन द लॉन्ग टर्म और तीसरा अगर हम इन चीज़ का इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते यानि एथिकल स्टैंडर्ड्स का ख्याल नहीं रखते तो ये हमारे बिजनेस को या हमारे बिजनेस ब्रांड या आइडेंटिटी को किस तरह एडवर्सली इफेक्ट कर सकता है तो तीन मेन अहम सवाल हैं रिस्वान थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इस एक वीडियो में हमने तीन ही सवालों को कवर करना है पहला एथिकल बिहेवियर टुवर्ड्स सोसाइटी टुवर्ड्स क्लाइंट टुवर्ड्स कंज्यूमर टुवर्ड्स इट्स एम्प्लॉईज एक एंटरप्रेन्योर के लिए कितना जरूरी है शुक्रिया नोरिन आपने बहुत अहम सवाल की तरफ जो है वो तवज्जो दिलाई है देखिए जो एथिकल बिहेवियर है वो बहुत हवालों से अहमियत रखता है लेकिन आपने जो सवाल किया है ना मैं इसमें पहले तो ये कहूँगा कि आपने और हमने ये बात सुन रखी होगी कि महंगा रोए एक बार सस्ता रोए बार बार बिल्कुल बड़ी मशहूर कहावत है मशहूर कहावत है अगर आप इस कहावत के परपेक्टिव में भी ये देखिए कि जो एथिकल बिहेवियर है वो एक्सपेंसिव होता है लेकिन वो आपको महंगा पड़ता नहीं है इसके मुकाबले में जो अनएथिकल बिहेवियर है वो सस्ता होता है लेकिन वो आपको महंगा पड़ जाता है बल्कि वो आपको महंगा पड़ सकता है का तो क्लोजर ऑफ बिजनेस तक ले है ले जाता है अच्छा अब चूंकि हम जिस तरह की दुनिया में रहते हैं वहाँ पर हर तरह की चीज़ें चल रही होती हैं और लोग जिस तरह ये कहा जाता है ना कि पीपल डू वाट मैटर्स पीपल डू वाट वर्कस अब बाज़ जगह पे जो सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ पर अनथिकल प्रैक्टिस जो कि करप्शन की ही एक शक्ल होती हैं वो एक तरह से ग्रीस कर रही होती हैं आपके प्रोसेस को नॉर्मलाइज कर नॉर्मलाइज कर देती हैं ना तो लोग इतना ज़्यादा उनके आदि हो जाते हैं कि वो उनके बारे में अच्छे और बुरे का तासर ही बिल्कुल ख़त्म हो जाता है लेकिन जिस स्पिरिट से आपने ये सवाल पूछा है उसका प्रिसाइज्ड जो उसका कहें कि जो जवाब है वो ये है कि नवरीन अगर आप एथिकल कंडक्ट को अडॉप्ट करते हैं चाहे डीलिंग विद यो एम्प्लॉइज़ है या डीलिंग विद यो कस्टमर्स है या डीलिंग विद यो सोसाइटी है तो ये वाला रास्ता तवील है मुश्किल है महंगा है लेकिन इसके नतज बहुत अहम है लॉन्ग रन में और बहुत देर पा क्योंकि इसके मुकाबले में अगर आप अनथिकल रास्ते शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं एम्प्लॉज को वो अटेंशन नहीं देते वो सेफ्टी वो सिक्योरिटी नहीं देते जो उनको चाहिए उनकी तनख्वाह लेट कर देते हैं अच्छा आपका आपका है। अच्छा नहीं है की तरफ, या आप की तरफ, देने में, मतलब आप उनके बेनिफिट्स डिले कर देते हैं रोक लेते हैं कस्टमर्स जो है उसके साथ आप धोखा दही करते हैं बताते कुछ हैं, उसको डिलीवर कुछ और करते हैं सोसाइटी को नुकसान पहुंचाते हैं किसी भी हवाले से जैसे आपकी केमिकल फैक्ट्री है आपको एक प्लांट लगाना चाहिए था जो आपके वेस्ट को बिल्कुल नहीं करते साफ करके तो फिर उसको डिस्पोज ऑफ करें, लेकिन आपने वो प्लांट नहीं लगाया होगा आप ये सब कुछ कर लेते हैं इससे करने से आप शॉर्ट रन में तो अपने पैसे बचा लेते हैं लेकिन और शॉर्ट रन में कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट भी ले लेते हैं लेकिन लॉन्ग है। तो ले रन में ये आपके लिए था वाकई में लॉन्ग टर्म में कि आपका ब्रांड कभी बिल्ड नहीं होगा बिल्कुल इसने ये बहुत ज्यादा अहम तरीके से कहा जाता है ना यू कैन मेक पीपल फूल वंस बट नॉट फॉर एवर तो ये नहीं कि लोग एक दफा आप खुद तो देखें ना हम अगर एक जगह से कोई चीज़ खरीदते हैं तो अगर हमारा तजुर्बा बुरा हो तो हम वहाँ से दोबारा चीज़ नहीं, नहीं खरीदते है। जिस जगह हम काम कर रहे हैं अगर वहाँ पर माहौल हमारे लिए अच्छा ना हो जिन्हें हमें तनख्वाह वक्त पर ना मिले जितनी कही गई उतनी ना दी जाए हमारे साथ बुरा सलूक किया जाए तो हम नेचुरली अपने लिए ऑल्टरनेटिव ढूंढना शुरू कर देंगेनेटिव तो भी ढूंढना शुरू कर देंगे और आपके एम्प्लॉज़

लेकिन मैं ये चाहूँगा कि दुनिया में जो आ, सबसे अफजल इंसान आए हैं हज़रत मोहम्मद अलैहि वम उनकी इस बारे में तालीमात क्या हैं तो आप हैरान रह जाएंगी कि उस प्रोफेटिक विजडम जब आपके सामने आएगा कि आप कहेंगे कि क्या बात है तो उनकी मैं आप दो सिर्फ़ अहदीस आपके सामने रखूँगा और आपको ये, ये मतलब आप देखेंगी कि कितना उन्होंने हमारी जितनी भी गुड प्रैक्टिसेस हैं वो सारी बनी वो उनका विजडम है और मतलब उसमें उन्होंने पहली चीज़ तो ये फरमा दी कि आप दूसरों के लिए वो पसंद करें जो आप अपने लिए पसंद करें बिल्कुल ठीक है तो आप अब ये गौर कीजिए कि ये एक ऐसा असूल है जिसको अगर हम पकड़ लें तो आप कभी भी क्योंकि आप अपने लिए कभी भी बुरी चीज चाहे फिर वो क्लाइंट हो चाहे फिर वो कंज्यूमर हो चाहे फिर आपका बिहेवियर सोसाइटी आप हमेशा वही पसंद करेंगे जिस जो आप, आप अपने अप लिए, लिए पसंद करेंगे।, करेंगे।, जिस तरह आप अगर आप चाहेंगे कि आपको कोई धोखा ना दे तो आपके कंज्यूमर और क्लाइंट और सोसाइटी को भी धोखा नहीं देंगे नहीं देखिए ना उसमें उन्होंने कहा कि अपने भाई के लिए वही पसंद करो जो तुम अपने लिए पसंद करो बिल्कुल अब आप देखिए कि मैं नहीं कभी चाहूंगा कि मेरे साथ धोखा हो मैं नहीं चाहूंगा कि मैं, न... मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मुझे ओवरचार्ज किया जाए मैं नहीं चाहूंगा मेरे साथ बदतमीजी की जाए यानी आप ये देखें कि कैसा प्रोफेटिक यूनिवर्सल प्रिंसिपल उन्होंने दिया बिल्कुल आप अगर इस असूल को अपना लें अच्छा फिर दूसरी बात क्या है अगर आप लोगों के साथ वो सलूक करना शुरू कर दें जो कि बिजनेस के अंदर जो आप अपने लिए चाहते हैं आप क्या समझती हैं कि लोग आपके गर्विदा नहीं हो जाएंगे बिल्कुल आप ये क्या समझते ये हैं बिल्डिंग अच्छा, मतलब है है की रिलेशनशिप तो पे खड़ी होती है बिल्कुल ऐसे ही है फिर आपने वो जो एक पहलू कहा था ना एथिकल प्रैक्टिस फाइनेंशियली किस तरह ट्रांसफॉर्म होती है किसी तरह से ट्रांसफॉर्म होती है आपको मैं रोक रहा हूँ सिर्फ इस बात पे इस वाक़े की तरफ़ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि जिस वक़्त हज़रत उन्होंने एक्सेप्ट किया सैयदा खदीजा जो थी उनकी पहली बीवी भी उनकी वो बनी सैयदा ने जब उनको ऑफ़र किया कि आप उनका जो ट्रेड कॉन्वाय है उसको ऑर्गेनाइज़ करें उनके लिए और जब आपने वो ऑर्गेनाइज़ किया और आप लौट के वापस आए तो सैदा ने ये एस्टिमेट ये अंदाज़ा लगाया कि इस बार जो इस जो उनको फायदा हुआ है वो, तो वो, वो सिर्फ वो उन्होंने कहा नहीं बल्कि अच्छी ये के किस तरह एथिकल प्रैक्टिसेस से आप इकनॉमिक बेनिफिट ये मिसाल बेहतरीन दूसरी चीज जो मैं प्रोफेट की की सेंग्स में से मैं ज़रूर चाहूंगा कि मैं बिल्कुर, बिल्कुर। इस वीडियो के तवसत से जरूर बताऊँ एक हदीस उसका मफहूमरी नजर से गुजरा मैं हैरान रह गया ने फरमाया कि वो जिसने अपना बेचा हुआ माल वापस ले लिया उसको जन्नत की बिजारत अच्छा मैंने पहली दफ़ा ये ऑन द फेस इसको सुना फिर उसके बाद जब इसके ऊपर गौर किया तो मैंने कहा कि ये तो दुनिया में क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी इन्हांसमेंट का बेहतरीन असूल है बिल्कुल ऐसे है क्योंकि अपना बेचा हुआ माल नॉरिन वही वापस लेगा जिसको उसकी क्वालिटी उसके मैार और उसकी कीमत में कोई शक नहीं होगा इसका मतलब यह है कि और दिलचस्प बात यह है कि जो अपना बेचा हुआ माल वापस ले लेना ना आप देखें कि कस्टमर का इतम कितना ज़्यादा उसके ऊपर बन जाएगा आज किसी वजह से वो आपको सामान वापस कर गया है लेकिन आपने उम्र भर के लिए उसको जीत लिया है बिल्कुल you have lifetime value of that customer. बिल्कुल यू हैव वन द लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ दैट अब यही मैं चीज कहने लगी थी टू कंक्लूड द डिस्कशन कि देखिए uh, इससे कितने जो हैं हमारे मैनेजमेंट और मार्केटिंग के और बिजनेस के जिसमें गुडविल है जिसमें ब्रांड बिल्डिंग है जिसमें ब्रांड प्रोमिस हैं जिसमें ब्रांड वैल्यू है जिसमें कस्टमर इक्विटी आप बिल्टअप करते हैं ये सारे कॉन्सेप्ट देखें तो इसी एक चीज़ से जुड़े हुए हैं और डे एंड के ऊपर अगर हम कहते हैं कि ये सारे कैपिटलाइज होते हैं इन टू द रेवेन्यू आप इससे रेवेन्यू ही डे एंड के जनरेट कर रहे होते हैं तो बेसिकली इसकी रूट यही है बुनियाद यही है इसकी जड़ बुनियादी जड़ जो है वो यही है कि आप कितने एथिकल रहते हैं अपने बिजनेस के साथ भी अपने एम्प्लॉयज़ के साथ भी क्लाइंट्स के साथ भी कंज्यूमर के साथ भी एंड ओवरऑल सोसाइटी के साथ भी रिजवान ने बहुत अच्छी एग्जांपल दे दी मैं इससे ज़्यादा और डिस्कस कर भी नहीं सकती ये बहुत अच्छी एग्जांपल थी आ, जो कौनवाए गया और वापस आया और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट के साथ वापस आया सो एथिकल स्टैंडर्ड्स ये जो हमारी एक मिथ है जिसको हमें प्रिक करने की ज़रूरत है कि जी आपने बिजनेस करना है तो थोड़ी सी मैल प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी थोड़े से अनएथिकल बिहेवियर्स करने पड़ेंगे थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे इसकी ज़रूरत नहीं रहती आप कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना एक गुड प्रैक्टिस के साथ मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं सी यू द नेक्स्ट वीडियो